दोस्तों टेस्ट एकदम आ रहा है, जैसे हम लोग चेन्नई में खाते हैं इडली सांभर, जस्ट टेस्ट हुई है। कोई फर्क नहीं है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 8, और दोस्तों आज गुड फ्राइडे है इसलिए स्कूल भी बंद है। अब मैडम जी छुपके से चाय पी रही है। गुड मॉर्निंग बोल दो कम से कम व्यूअर्स को। गुड मॉर्निंग ऑल द व्यूअर्स, बोलना पड़ता है ऐसे देहात में बोलता है। है जे छोटा हा बानो सठिया गेल बा, ऐसे नहीं लगता है कि हमारे जो मेहरायो है नो सठिया गेल बा। बतावेला पड़ता कि बोलो दोस्तों। आज तो अच्छा हम भी पी रहे हैं दोस्तों। गुड मॉर्निंग का ये मॉर्निंग का चाय, और आप लोग भी एंजॉय कीजिए। और दोस्तों आज कुछ खास ब्रेकफास्ट में बनने वाला है, और आज खास ये बनने वाला है कि थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा क्या बना है। तो आज बनने वाला है इडली सांभर ब्रेकफास्ट में, और सारी तैयारी उसकी हो रही है। आप बने रहिए और आप लोग देखिए कैसे बनता है, और घर में बनाने का भी कोशिश कीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ, आज का ब्रेकफास्ट इडली सांभर करते हैं। ये चावल को धो रहे हैं हम लोग। चावल इधर उड़द दाल ले लिए हैं, इधर थोड़ा सा चूरा भी ले लिए हैं। आप समझ सकते हैं क्या बनने जा रहा है, गेस कर सकते हैं। ये बना रहे हैं हम लोग, चावल उड़द दाल का बनता है इडली, इडली या फिर डोसा बना सकते हैं। तो सोचिए कि डोसा नहीं इडली बनाते हैं, और चावल को बहुत धोना पड़ता है जब तक कि साफ पानी नहीं निकल जाए, ताकि इडली एकदम साफ सफ़ेद एकदम फ्लफी इडली बने। इसलिए चावल को अच्छे से धो रहे हैं। ये चावल धोया गया है, अब इसको छोड़ दिए पानी डाल के फूलने के लिए लगभग 4 से 5 घंटा। ये उड़द दाल में थोड़ा सा मेथी भी फुला दिए हैं। मेथी क्या काम करता है खमीर बनने में, उसकी मदद करता है, सही तरीके से खमीर बनता है। अब आया चूरा का बारी, चूरा भर के इसको भी फूलने के लिए छोड़ देंगे लगभग 4 से 5 घंटा, फिर उसके बाद इसको पीसेंगे। तो चलिए उस समय मिलेंगे। अच्छा, अब ये चावल पीस रहे हैं हम लोग। इधर उड़द का दाल पिसा गया है मेथी दाने के साथ में। अब चावल का बारी, चावल थोड़ा दरदरा ही होता है, दरदरा ही पीसना है। ये गया थोड़ा सा नमक, अभी गर्मी का सीज़न है इसलिए ज़्यादा फर्मेंट होने की वजह से खट्टा हो सकता है। फर्मेंटेशन को थोड़ा सा स्लो करने के लिए नमक डाल दिए, इसको फेंट के रख देंगे, ढक के रखना है इसको ताकि ये फूल जाए। ये लगा पूरा जोर लगा के फेंटा जा रहा है इसको, जितना बल है उतना लगा के फेंकना चाहिए। पावर बहुत लगता है, कलाई दाल दाल में डाल दिया है, पकड़ता है बहुत। और कलाई दाल तो आप जानते ही हैं बहुत चिपचिपा होता है, उसकी वजह से और मेहनत लगता है इसको फेंकने में। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हम लोग इतना मेहनत करते हैं
और सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ता है हम लोग का। इतना मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, इसलिए आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग का वीडियो पूरा वॉच कीजिए, आपको ज़रूर मज़ा आएगा देखने में। देखिए दोस्तों, इडली का ये आइटम बन के रेडी हो गया। देखिए एयर पॉकेट कितना बढ़िया से निकला है। अब इसको स्टीमर में डालेंगे। जा रहे हैं इसमें दाल पीस के डाल दिए, पिसा हुआ दाल जल्दी पक जाएगा। और इसमें सब सब्जी हम काटते हैं, देखिए यहाँ पे भिंडी, मटर, आलू, बीन्स, सजना, ये सब दे देंगे इसमें। ज़्यादा पानी देने से सीटी मार दे पानी फेंक देता है, इसलिए थोड़ा सा ही पानी देंगे। हल्दी, नमक देंगे, टमाटर भी डाल दो, टमाटर हरी मिर्च इसमें दे दें। स्वाद अनुसार अब इसको चढ़ा दो है। दो तीन सीटी देने के बाद में इसको बंद कर देंगे, फिर खोल के देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, स्टीमर आ गया है, अब बचना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जिस सिटी भी देने लगा है दो सिटी और देते हैं। इधर हम लोग का खमीर अच्छे से तैयार हो गया है, इसको थोड़ा सा फेंट के सब फेंट देंगे। हाँ जी, इसको फेंट के फिर तेल लगा दिए हैं, इसमें भर के चला देंगे, फिर देखते हैं हम लोग का इडली कैसा बनता है। सांचे में डाल रहे हैं, पतला सा काम पड़ेगा। ठीक है, ये जा रहा है स्टीमर में। सब में एक एक कड़ी पत्ता डाल रहे हैं ताकि उसका स्वाद आ जाए। अब इस बर्तन में हम थोड़ा पानी ले लिए हैं, इस बर्तन में लेवल है पानी का, उस लेवल से ज्यादा नहीं देना चाहिए, नहीं तो इडली भीग जाएगा। ये सब को सेट कर रहे हैं एक के ऊपर एक।
दोस्तों ये चले गया, अब मैं इसको लगा देता हूँ। चलिए अब देखते हैं दाल का क्या हाल है। दाल का सिटी खुल गया है। लेकिन जलाने नहीं है, इसमें पानी डाल के हिसाब से पानी देंगे। और इसमें सांभर मसाला डाल के आप इसको थोड़ा देर पकाएंगे। देखिए दाल एकदम बढ़िया बन गया है। अपने हिसाब से पानी दे दिए हैं जितना का पतला चाहिए। अब इसको फिर से चला के मसाला डाल के पकाएंगे। कुकर को चला दिए फिर से, अब इसको मसाला डालेंगे। इसमें अदरक का पेस्ट डाल दिए हैं, थोड़ा सा, एक चम्मच सांबर मसाला, और थोड़ा सा लाल मिर्च। बाद में फिर लाल मिर्च चाहता है, इसलिए थोड़ा सा ही दे रहे हैं। दाल उबल गया ना? हाँ दाल उबल गया है, थोड़ा सा और। देखिए हम लोग का इडली भी तैयार हो गया है, अब इसको यहाँ से निकालेंगे। ये दोस्तों बन के रेडी हो गया। अब ये गया दूसरी बार। चलो इसको अब चढ़ा देते हैं। ये देखिए तड़का के लिए हम कढ़ाई में तेल दे दिए हैं और अपना तड़का का सामान भी रेडी कर लिए। लाल मिर्च, थोड़ा सा सरसों, करी पत्ता और लाल मिर्च पाउडर ताकि कलर आ जाए। और ये है तेल, तेल गरम हो रहा है। तेल में एक एक करके सब दे दिए। कलर भी चेंज हो गया था कलर से। अब इडली और सांबर का चलेगा। ये हुआ सेकेंड बार का इडली हम लोग का। उस समय कुछ कुछ इडली नहीं पका था। देखते हैं ये सब पका पक गया है या नहीं। दोस्तों ये हम लोग का देखिए ब्रेकफास्ट का ये प्लेट हम लोग का, इडली सांभर चटनी। और इधर एलिन का भी इडली सांभर लग गया है, ये भी खाएगी अभी हम लोग। लो एलिन खाओ।
उसके बाद टेस्ट करके बताता हूँ। दोस्तों टेस्ट एकदम आ रहा है जैसे हम लोग चेन्नई में खाते हैं इडली सांभर, जस्ट टेस्ट हुई है। कोई फर्क नहीं है, अमेजिंग। नमस्ते, इंदिरा जी से पूछते हैं कैसा लगता है, कैसा लग रहा है। इंदिरा जी आके इधर बैठ गई है। अब चेक करो तो एकदम स्पॉन्जी बना है ना। लग रहा है ना इसे एकदम साउथ का। कोई फर्क ही नहीं है इस टेस्ट में, मस्त बना है। दोस्तों हम लोग नाश्ता करते हैं, आप लोग भी कीजिए, और मैं इस ब्लॉग को, ब्रेकफास्ट का ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, यही आप लोग से उम्मीद है। तो फिर इससे बाय बाय कहता हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।